दोस्तों हमारे YouTube चैनल द ब्रिज क्लासेस में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री सिक्स क्लास की और हम तीन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और हमारा आज ये फोर्थ चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बैरियल्स टेल अस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर के नाम से हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें बुक्स यानी किताबों और बैरियल यानी जो मर जाते हैं हमारे उनको दफनाने के वो क्या ऐसे वो क्या हमें बताते हैं उसके बारे में बताया गया है। एक बेसिकली एक हिस्ट्री से रिलेटेड ही है ये दोनों चीज़ें। बुक्स हमें रीड आउट करके हमें पता लगता है कि उस समय क्या चीज़ें हुआ करती थी और बैरियल्स जो दफनाई हुई चीज़ें हैं वो भी हमें बहुत कुछ बताती हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये इस टाइम जो आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं इसमें भी एक वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन तो नहीं एक सिनेरियो है इसमें कि एक बच्ची लाइब्रेरी देखती है और वो पूछती है कि इतनी सारी बुक्स हैं और इसमें हिंदी स्क्रिप्चर जो है हमारे बेसिकली और हिंदी बुक्स के बारे में जिक्र होता है जिसका नाम सबने पढ़ा सुना होगा, उनका नाम वेद है, वेद। और इसमें आपके चार तरह के वेद हम पढ़ेंगे आगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये फोर टाइप्स ऑफ वेद हैं जो हमारे हिस्ट्री में लिखे गए हैं, उसी के बारे में डिस्कस है। बुक्स बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये 3500 यानी 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज की गई यानी लिखी गई थी। और इसमें आपको मिलेगा सुक्ता, सुक्ता जिसे किसे कहते हैं, सुक्ता कहते हैं वेल सेड इंग्लिश में। और इसमें हिम्स है, हिम्स यानी कि आपके मंत्र, इसको बेसिकली एक पोयम कह लीजिए आप, एक रिदम कह लीजिए, उसके बेसिस पर बनाया गया है ताकि इसको याद रखने में आसानी हो। तो वेदों में बेसिकली बताया गया है उस टाइम की सारी सिचुएशंस क्या कैसी थी क्या नहीं था, तो वो बुक्स में हमें देखने को मिलता है। और इसमें हिम्स होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें जो गॉड एंड गॉडेसेस होती हैं जो देव और देवियाँ देवताओं उन सब उनकी सबकी कहानी एक स्टोरी टेलिंग के रूप में बताई गई है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और हमें वो याद रहें। और इसमें बेसिकली आप देखिएगा इसमें लिखा है कि जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उन इसमें आपके जो मेन गॉड हैं वो थे अग्नि यानी गॉड ऑफ फायर, इंद्र, इंद्र सबको पता है गॉड ऑफ वॉरियर है ऐसे तो इन्हें मौसम से भी रिलेटेड किया जा सकता है, और सोम, सोम इज़ अ प्लांट जिससे ड्रिंक बनती है। तो ये तीन गॉड्स हैं आपके अग्नि इंद्र एंड सोम। एंड इसमें आपको कई कई हमारे जो रिवर्स हैं उनका नाम भी मिलेगा हिम्स में यानी कि ऋग्वेद में, वैदिक संस्कृत है ये, संस्कृत जो आज हम पढ़ते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है ये क्योंकि बहुत ही पुरानी है तो वो थोड़ी टफ है ये वाली वेदों वाली, अब जो है वो थोड़ी नॉर्मल है आप उसको समझ सकते हैं लेकिन इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है बट समझी जा सकती है। और ये संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि जो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली है। इसमें आपको असम की भाषा, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेज आती हैं, और एशियन लैंग्वेज में आपको पारसी मिलती है। और जो यूरोपियन फैमिली है इसकी उसमें आपको इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश मिलती है। और इसको बेसिकली हम इसको कैसे कह सकते हैं फैमिली है, तो उसमें जो आपका माँ का शब्द है बेसिकली वो संस्कृत में, इंग्लिश में और हिंदी में मेनली एक ही वर्ड से स्टार्ट होता है एम ए, यानी एम से स्टार्ट होता है बेसिकली, तो इसलिए उसको रिलेट किया जा सकता है। और बाकी सारे लैंग्वेजेस भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है असम वाले जो एरिया है वहाँ भी बोली जाती थी इनको, हम इस फैमिली को हम बोलते हैं तिब्बत बर्मा, तिब्बत बर्मा, बर्मा आज का आपका म्यांमार है आप मैप पे देखिएगा, वो वाली लैंग्वेजेस हैं। और जो हमारे साउदर्न में है यानी कि जो साउदर्न इंडिया में है उसमें आप सबको पता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सारी भाषा बोली जाती हैं, ये द्रविड़ियन फैमिली में आती हैं ये। और इसमें आपको झारखंडी भी मिलेगी आपको अलग अलग इन एशियन पार्ट्स में, तो ये बेसिकली लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। और जो ये बुक है ये आपको जो इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट यानी कि ये रीप्रिंट कब होने लगी, 200 साल पहले ही प्रिंट हुई है लेकिन ये सुनी और बोली 3500 साल से पहले से जा रही है यानी कि अभी से नहीं इसको लिखा गया है, बहुत पहले से ये चल रही थी लेकिन इसको लिखना स्टार्ट कब किया गया था 3500 साल पहले। और बेसिकली लिखने से पहले ये वर्बली बोली जाती थी एक दूसरे के साथ, ये एक हिम्स है मैं आपको एक बार एक वो दिखाऊँगा एग्जाम्पल बुक में है आगे आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। एंड हिस्टोरियन कैसे स्टडी करते हैं इसको,
तो हिस्टोरियंस जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इस बुक को एग्जामिन करते हैं, उसमें देखते हैं कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको डिकोड करते हैं, और उसमें जो हिम्स हैं एक तरह से डायलॉग की तरह, इसमें बेसिकली जो फॉर्म और डायलॉग फॉर्म है जिसमें कि उसको लिखा गया है। और इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया टू रिवर्स, ब्यास एंड सतलुज, और इसके बीच में डायलॉग होता है, और जो संग जो बोल जो गा रहा है मतलब साथ में जो बोल रहा है विश्वामित्र, विश्वामित्र हैं जो बेसिकली डायलॉग कर रहे हैं। और इसमें जो रिवर गॉडेस हैं जिनकी पूजा पूजा की जाती है, उनको बुलाया जाता है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं ये वेद है, ऋग्वेद है ये, और ये संस्कृत है। आप देखिए ये नॉर्मल संस्कृत से कितनी टफ है, तो इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे पढ़ा जा सकता है। और ये आपको ये पाम लीव जो होती है ना, लीव ब्रिक, आप देख सकते हैं ये, देखिए ऋग्वेद ब्रिक के ऊपर बनती हैं, एक पत्तियाँ होती हैं बेसिकली ये, उसके ऊपर ये बनती हैं, मतलब उसके ऊपर लिखा जाता था कि, लेकिन ये बहुत सारी जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्योंकि इसके कीड़े वीड़े खा लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बची हुई हैं। और ये डायलॉग हैं जो विश्वामित्र और जो रिवर के बीच में हो रहा है। तो बेसिकली इस डायलॉग में ये बोला गया है कि आप जो रिवर्स हैं, अगर आप आएंगे हमारे एरिया में तो हमारा एरिया फर्टाइल हो जाएगा, हमें आपकी ज़रूरत है ताकि हम जीवन यापन कर सकें, सेफली आपको क्रॉस कर सकें, आप इतना ज़्यादा उफन यानी कि ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा वाटर साथ मत लेके आना। तो ये सारी बेसिकली चीज़ें डायलॉग करा गया है। और इसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिससे आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, तो इसमें इन्होंने गाय और घोड़ों की यानी हॉर्स एंड काउस की बात करी गई है, इससे पता लगता है वो भी वैल्यूबल थे। इस हिंस में पता लगता है कि वो चीज़ उस टाइम हुआ करती थी, और चैरिट भी हुआ करते थे। तो हिंस से हमें एक तरह से नॉलेज हो जाती है कि हाँ, अगर यहाँ पे डिस्कस हुआ है तो हाँ ये चीज़ है, उस टाइम पे हुआ करती थी, वो उसका ये इम्पोर्टेंस था। अब जैसे कि कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स होते हैं, कैटल हम सबको पता है, हॉर्स चैरियट जो रथ होता है जिसे खींचता है घोड़ा, आपने देखा होगा नॉर्मली, तो उसकी बात करी गई यहाँ पे। तो उस टाइम भी ये थे जिनमें प्रेयर्स में ये यूज़ हुआ करते थे। और बेसिकली जो हॉर्स हैं, कैटल हैं, इन सबको उस टाइम पे वो यूज़ होते थे, और इसी इसी में ये बताया गया है। और इस ये इनका बेसिकली सबको यूज़ पता है, जो एग्रीकल्चर में इनका यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर करने के लिए इनका यूज़ होता है। और इनसे बैटल, उस टाइम पे बैटल में लड़े जाते थे, और कैप्चर प्लेसेस कैप्चर करी जाती थी, बड़े बड़े लैंड जहाँ पे आपको क्रॉप्स यानी कि खेती करने के लिए पहले उस चीज़ को कैप्चर करना था। और इसमें क्रॉप का नाम आपको मिलेगा हार्डली क्रॉप्स। हार्डली क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों के मौसम में भी उगती हैं, तो बेसिकली ऐसा एरिया जहाँ पे हम सर्दियों में भी खेती कर सकते हैं, तो उसके लिए भी लड़ाई होती थी जिसमें ये सब चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। उसमें बेसिकली यही बताया गया है कि इन तीनों चीज़ों का यूज़ कैसे हुआ करता था, और लैंड को, पीपल्स को, पीपल को यानी किसी के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए होता था, और जो चीज़ पानी के लिए भी लड़ाई होती थी, कैप्चर के लिए भी होती थी, और जो चीज़ वो जीतते थे वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, राजा रखता था, उसके बाद जो प्रीस्ट यानी जो आपके जो जैसे हम यहाँ पे पंडित जी या फिर जो पुजारी कहते हैं, उनको दिया जाता था, एक डोनेशन दिया जाता था, और बाकी सब लोगों में बांट दिया जाता था जो चीज़ वहाँ पे हुआ करती थी। और इसमें परफॉर्म क्या होता था, एक चीज़ यूनिक चीज़ थी, यजंस परफॉर्म, यजनास परफॉर्म हुआ करते थे, ये सेक्रीफाइस हुआ करता था, ताकि जो हमने चीज़ करी है उसमें कहते हैं ना एक थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा दान वान दे देना चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखी गई है, जो सेक्रीफाइस होते थे यहाँ पे। इसमें इसमें आपको बेसिकली फायर, फायर के अंदर गॉड को खुश करने के लिए जैसे यज्ञ होते हैं ना, जैसे इसमें घी, ग्रेन्स और एनिमल डाल, मतलब इसको सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे काली माँ के इसमें सेक्रीफाइस होता है एनिमल का, और इसमें वो चीज़ें परफॉर्म की जाती थी। और इस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी यानी कि कोई बेसिकली कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, कि एक आर्मी रखी हुई है, परमानेंट परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। नॉर्मल अगर आपको अटैक करना है तो आप गैदर होते थे और अटैक करते थे, और चीज़ लेके आ जाते थे, असेंबल्स होते थे कि लोगों को इकट्ठा कर और वॉर करी। और इसमें पीस भी होती थी, ऐसी बात तो नहीं कि, और इसमें लीडर्स भी हुआ करते थे, और स्किलफुल वॉरियर्स थे यानी कि वॉरियर्स क्लास थी, लेकिन कोई परमानेंट नहीं था। तो इसमें बताया गया डिस्क्राइब पीपल, वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे हम किसी व्यक्ति को जान सकते हैं, तो उसमें कहा गया है कि उसके काम से, उसकी भाषा से, और जहाँ से वो बिलोंग करता है, उसकी प्लेस जो है, उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी और उसका कल्चर, तो ये सारी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि वो बंदा यानी कि वो कम्युनिटी
मान लीजिए अगर कोई हिंदी या अगर कोई गुजराती बोल रहा है तो हमें बेसिकली हमें यही माइंड में आएगा कि वो गुजरात से है, उसके खान पान से लगेगा कि तो गुजराती खाना है, या तो उसके पहनावे से वो तो गुजराती पहनावा है, उसकी कम्युनिटी कैसे होगी गुजराती कम्युनिटी होगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होंगे गुजराती जो उसमें बेसिकली करते हैं जो पूजा है उनकी जो, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे लोग कौन सी कम्युनिटी से कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो ऋग्वेद में भी मेंशन किए गए हैं, और इसमें प्रीस्ट को हम ब्राह्मण कहते हैं, जो चार वर्ण जो यानी चार स्टेज ऑफ आपको इसमें मिलते हैं, आपका ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये तीन चार स्टेज में बांटा गया है इसमें भी। और इसमें हमें ऋग्वेद में आपको ब्राह्मण का नाम मिलेगा, और राजा भी हैं, लेकिन वो बेसिकली वैसे राजा नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं जिनके पास ज़मीन वमीन होती है, वो बेसिकली वो राजा हैं जो अपने पिता से आगे, यानी जो कहते हैं ना कि मेरा पिता राजा है लेकिन मैं भी राजा बनूंगा, लेकिन इनके केस में ये नहीं होता था, वो है तो राजा लेकिन वो उनको कुछ ऑटोमेटिकली कुछ मिलता नहीं था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि राजा को तो होता है ना मेरा पापा राजा है मेरे पिता राजा है तो मैं भी राजा बनूंगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। इसमें लिखा गया जर्नली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज अ राजा, वो भी राजा हुआ करते थे। और इसमें आपको ये बेसिकली बुक की बात हो रही है कि बुक्स में कैसे हमें बताया कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था और क्या नहीं, तो इसमें ऋग्वेद के बारे में पूरी बात करी गई है कि एक कम्युनिटी कैसे करती थी, उस कम्युनिटी को हम कहते थे संस्कृत में जना, और आपको वैश्य है ना जो थर्ड क्लास है आपकी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसको जनता यानी जो आपकी जनता आपकी जो कम्युनिटी है उसे जनता जन या फिर आपको वैश्य भी कहा जाता था, और ये इसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। और इसमें आपका पूरा जन यानी कि जो सारे जन हैं उसके बारे में, योद्धा जन जन यानी कि लोग क्लासेस के बारे में इसमें बताया गया है कि बेसिकली ऐसी क्लासेस उस टाइम पर हुआ करती थी। और इसमें आपको फैमिलीज़ मिलेंगी, जो नाम है जो उसमें फैमिलीज़ भी आ जाती हैं कि इसमें कौन सी फैमिलीज़ हैं, और इसमें हिंस में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे ये लोग इसमें परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइस होता था नहीं होता था, इन सब के बारे में बताया गया है। और कुछ क्लासेस ऐसी थी जो सेक्रीफाइस नहीं करती थी, उसका नाम था दासी, जिसे अब हम आज कहते हैं फेमिनिन में दासी कह देते हैं, तो वो बेसिकली स्लेव हुआ करते थे, जो वॉर के बाद वॉर प्रिजनर्स जो होते हैं वो हुआ करते थे दास और दासी, जो वॉर प्रिजनर्स हैं उनसे हम कुछ भी करवा सकते क्योंकि वो स्लेव थे, जो उनका मास्टर था वो उससे उनसे जो भी उनको प्रैक्टिसेस काम घर का काम कुछ भी उनको करवाना होता था वो उससे करवाते थे, तो ये चीज़ भी बताई गई है। और इसमें नेक्स्ट आपको जो टॉपिक मिलेगा वो है स्टोन से रिलेटेड टॉपिक है ये, और ये बैरियल यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, बुक्स हमने डिस्कस कर लिए ऋग्वेद की, जो ऋग्वेद में चार वेद हैं और ऋग्वेद की मेन बात करी गई है जिसमें उन्होंने बताया सब कुछ। और जो सेकंड है जो टॉपिक है इस बुक का वो है बैरियल्स यानी जो दफन करी गई चीज़ें हैं उसमें कैसे पता लगता है, तो इस टॉपिक में वो दिखाया गया है कि एक पत्थर यानी कि उस टाइम पे जो चीज़ें मटीरियल रॉ मटीरियल हमारे पास था वो पत्थर था, तो पत्थर को हमने ऐसे मॉडिफाई करा और उसको बैरियल बड़ी बड़ी बैरियल यानी दफन करने वाली एरिया बनाए, और उसमें लोगों को सारी चीज़ों को दफन किया गया, और उससे ही स्टडी करके हमें पता लगता है कि उस टाइम पे जो जीवन था वो कैसा था। तो मैगथिस है आपके, आपको अगली फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये चीज़ है देखिए, अभी बेसिकली जो आप देख रहे हैं पत्थर ये चारों तरफ से जो होल आपको दिख रहा है ये होल, यहाँ से आप किसी को यहाँ पे बैरी करके इसको ढक सकते हो, ठीक है, और इसी में ही सारी चीज़ें वो रखी क्या जाती थी चीज़ें। तो ये साइट्स हैं, आप पेज नंबर 13 में जाके साइट्स देख सकते हो, और इनमें बेसिकली क्या होता था जो सरफेस है वो जो क्या था पत्थर से, आप देख सकते हो चारों तरफ से पत्थर, इसको एकदम अलाइन करके बनाया गया है ताकि इसमें किसी जो उनके चाहने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बैरी करते थे, और साथ में वो बहुत सारी चीज़ें रखते थे जैसे में ज्वेलरी आपके जानवर घोड़ा काओ ये सारी चीज़ें उसमें आया करती थी, और खाने पीने के लिए चीज़ें हुआ करती थी, पॉट के लिए पॉट यानी जिसमें खाना पीना रखा जाता था वो चीज़ें हुआ करती थी, और कभी कभी किसी के साथ भी दो जनों को साथ दफनाया गया है। इससे हमें इन चीज़ों से अगर मान लीजिए ये ज़्यादा बड़ी है और एकदम चार पाँच इसमें घोड़े थे गाय थी पॉट थे
तो उससे पता लगता है कि वो जो इंसान है वो एक वेल्दी अच्छी खासी फैमिली से या कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और कुछ कुछ बैरियल्स में आपको देखने मिलेगा कि खाली एक ही जना है और उसके कुछ कुछ चीज़ें हैं, कम चीज़ें हैं, तो उसका थोड़ा अलग हुआ था, यानी कि क्लास अलग है। और इसमें आप घोड़े कैसे हैं, तो ये देखिए घोड़े की जो हमें ना पैर रखते हैं, नाल वाल सब चीज़ें होती हैं, ये एक्स है, एक्स भी इसमें मिली है, ये डैगर है, डैगर भी इसमें मिला है, तो इसके अंदर रखा गया है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मरने के बाद भी कोई आफ्टर लाइफ में ये चीज़ें काम आ सकती हैं, और उन्हें यहीं दफनाया जाता ताकि वो अगर दोबारा यहाँ पे आना चाहें तो इसी जगह से आ सकते हैं। सुनने में थोड़ा हॉन्टेड लग रहा है, लेकिन उस टाइम की मेंटेलिटी ऐसी थी कि अगर कोई मर गया हमारा जो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसको हम एक परफेक्ट आपका जो क्रिमिनेशन है वो दें। अब तो हम जलाते हैं हिंदुज़म में, लेकिन पहले दफनाया ही जाता था। और इसमें जनरली आप देख सकते हैं बैरियल्स हैं, बेसिकली इसमें बात कराएगा, और इसमें जो चीज़ें मिलती हैं उसी के स्केलेटन से, किस जो लड़का है लड़की स्केलेटन से पहचाना जा सकता है। और जो साथ में चीज़ें रखी गई हैं, ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, और मैंने बताया हॉर्स है, काओ हैं, पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें रखी जाती थी। और इसमें हमें सोशल, जो मैंने आपको बताया टॉपिक अभी वो आगे आएगा, फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो सोशल डिफरेंसेस पता लगते हैं जो मरने वाला इंसान है कि उसकी जो बैरियल उसमें क्या क्या दफन है, तो आर्कियोलॉजिस्ट उससे पता लगा सकते हैं कि वो एक रिच है, पुअर है, या फिर कोई का चीफ है, या फिर कोई अदर फॉलोअर है, तो उससे पता लग, जो मैं आपको बताया वही चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। और ये स्पॉट्स हैं जो फैमिलीज हैं, फैमिली जो वहाँ उसको दफन करती हैं, और बाद में जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई और उनका सगे संबंधी मरता है तो उसको भी वहीं दफना देते हैं उसी पॉट होल में, ताकि वो उसके साथ ही रहे, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक लोकेशन है हमारे इंडिया में, जिसकी बात हम मैप पेज नंबर 13 पे हैं, मैप 2 में, जो हमारे एरिया में दिखता है कि एक ऐसे होल हुआ करते थे, तो इसके बारे में वो लोकेशन बताई गई है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इनको मिली हैं, और ये बहुत पुरानी हैं, 3600 साल पुरानी, 2700 साल पुरानी हैं ये गुफाएं, यानी कि पॉट होल्स कह सकते हो आप इन्हें। और इसमें बैरियल्स दिखी गई हैं और पाई भी गई हैं, डेड प्लेसेस हैं, एंड बेसिकली यही है, छोटा चैप्टर है, बट हाँ आप इसको बेसिकली ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बुक हमें क्या बता रही है, क्या नॉलेज दे रही है उस टाइम की, और आपका जो बैरियर्स हैं वो क्या नॉलेज दे रहा है कि उस टाइम पे कैसे हम रहते थे, तो इसके बारे में बताया गया। और इस स्केलेटन की स्टडी है कि कैसे पता कर सकते हैं कि ये लड़का है लड़की, तो जो उसकी जो बेसिकली अगर चीज़ें अगर ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स हैं तो उसे कनेक्ट किया जाता है वुमेंस की होंगी, फेमिनिन होंगी, लेकिन कभी कभी दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लड़का लड़की, तो उनका स्केलेटन पता करने के लिए कि इनका क्या सेक्स है, लड़का है लड़की, तो आपकी स्केलेटन की हड्डियों से पता करा जाता है कि वो कौन है। एंड इसमें हमें इसके अंदर आप जो पेट होल्स हैं इसमें आपको बोन्स के साथ साथ एनिमल्स की बोन्स भी मिला करती हैं, फूड भी मिलता है आपको, और इसमें आप कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, पिग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और खाने के लिए भी चीज़ें मिलती हैं इसमें, फ़िश भी है, बर्ड भी है, क्रोकोडाइल है, टर्टल है, ये सारी चीज़ें उसमें दफन हुई थी ताकि वो आगे काम आए। तो बेसिकली ये है कि अकेला ना जाए कोई, ऐसे आप समझ लें इसको। और ये केस स्टडी है एल्सवेयर, जिसमें हमेशा आता है इसमें, इसमें चाइना का एक एग्जांपल दिया गया है, ये चीज़ चाइना की है भी, 3500 साल पुरानी है, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक भविष्यवाणी जिसे कहते हैं, इसमें वो करने के लिए ये करते हैं। तो ये बेसिकली क्या इनकी ट्रिक है कि जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर ये, जैसे मान लीजिए मैंने किसी राजा ने लिखा कि हम ये जंग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो ये चीज़ इस पर लिख देते हैं और इस हड्डी को बाद में आग में फेंक देते हैं, तो आग जो हीटअप होने से जो हड्डी क्रैक डाउन होती है, जिसमें ज़्यादा देख सकते हैं क्रैक डाउन हो रखी है ये हड्डी, तो जहाँ जहाँ से वो हड्डी क्रैक डाउन होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो भविष्य बताते हैं, तो उस चीज़ से भविष्य बताएंगे हाँ कि ना, पर कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो की जाती थी। तो यही एक पूरा चैप्टर है जो डिस्कस हमने किया, और ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर जो आप इसमें डिस्कस आराम से कर सकते हैं इसको। और एक रीकैप में आपको हम यही बता सकते हैं, जो नाम में ही है, बुक्स हमें क्या बता रही हैं पुराने ज़माने के बारे में, और बेसिकली इसमें ऋग्वेद यानी कि वेद की बात करेंगे, बेसिकली ऋग्वेद की, एंड जो बैरियल्स हैं जो हमने दफन करे हैं उसके बारे में बताया गया है, कैसे रहा करते थे, क्या था, तो इससे इन चीज़ों से हम ये जान सकते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।